हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ कनिका। एंड आज पढ़ाई से पहले मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सा किस्सा बताना चाहती हूँ। हमारे यहाँ नीचे ना अभी बहुत ज़्यादा क्राउड हो रहा है, भीड़ भीड़ हो रही है, तो अब तो पहले से कम है। हुआ क्या था, बेसिकली नीचे एक नई गाड़ी खड़ी थी जो शायद परसों ही आई है, फॉर्चुनर, ठीक है। एंड कल रात को वो चोरी होने वाली थी, ठीक है, चोरी होने वाली थी। एग्जैक्टली चोर आधा काम कर चुके थे। दो दो गाड़ियों में आए थे लोग, जितने भी लोग थे। एंड वो अपना लैपटॉप लेके आए थे, गाड़ी की डुप्लीकेट कीज लेके आए थे, सारा अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर सब लाए थे, जो भी हैक वगैरह करने के लिए उनको चाहिए था, ठीक है। सो दे एंटर्ड द कार, चाबी वाबी लगा के वो गाड़ी में बैठे हुए थे, एंड दे वर ट्राइंग टू हैक इट लैपटॉप की मदद से, ठीक है। मेरे जस्ट सामने वाली बिल्डिंग में एक भैया है टॉप फ्लोर पे, उन्होंने उनको देख लिया अराउंड मे बी 3:30 और 4, ठीक है। तो भैया ने उनको देखा, गाड़ी में चले भी गए हैं, एंड देन उसको स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। भैया ने शोर मचाया, ठीक है, और भैया के शोर मचाने की वजह से वो लोग भाग गए। दो गाड़ी और लेके आए थे, मोस्ट प्रोबेबली वो भी चोरी की होंगी, ठीक है। और फिर भैया ने शोर मचाया तो वो लोग निकल गए, भाग गए। मतलब आई एम लाइक वाओ, मतलब वाओ क्या, ऑब्वियसली बुरी बात है कि गाड़ी चोरी हो रही थी, बट द वाओ फैक्टर इज कि आपने ऐसे रंगे हाथ उनको पकड़ लिया और उसकी गाड़ी बचा ली, फॉर्चुनर। मतलब कितनी मेहनत से कोई बंदा कोई व्हीकल लेता है। ओ गॉड भैया, मैं तब जब से बार बार रूम में आ रही हूँ ना, मेरी नज़र बार बार बाहर जा रही है, जैसे मेरे सामने वाली बिल्डिंग में कोई सुपर हीरो रहता है। मतलब इतना अच्छा लग रहा है कि भैया का बस एक इतना सा स्टेप कि उन्होंने शोर मचाया जिसकी वजह से वो चोर भाग गए और बंदे की फॉर्चुनर बच गई। आई फील सो गुड, ऐसे लोग चाहिए हमें सोसाइटी में यार। और वो बंदा जिसकी कार थी, वो बेचारा पहले तो आज दिन में ऊपर आया था, वो हम लोग की सबकी नीचे पार्किंग एरिया में गाड़ी वगैरह खड़ी हुई है, तो वो गाड़ी हटवानी थी उनको, ठीक है। क्रेन आने वाली थी क्योंकि उसका सारा सॉफ्टवेयर तो हैक हो चुका था, वो कुछ वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी उनकी वाली कीज से, तो क्रेन आ रही थी, क्रेन में वो फॉर्चुनर जानी थी। जो आसपास हम लोगों की गाड़ी खड़ी थी हमारी बिल्डिंग की और आसपास की बिल्डिंग की कार्स, वो उनको हटवानी थी, तो वो आए थे कि वो गाड़ी हटवानी है। नीचे पहुंचे, हमें ये सारी चीज़ पता चली, एंड आई वाज लाइक वो भैया है वो, हाय, राउंड ऑफ अप्लॉज, इतना अच्छा लग रहा, ही मस्ट बी सो हैप्पी यार। और मेरे को ना बहुत खुशी हो रही है, मैं तब से आई गेस दोपहर की बात है, पूरी दोपहर हम ऑलमोस्ट वहीं पे नीचे ही थे, इतना टायरिंग हो गया था जैसे पता नहीं क्या मजदूरी करके आए हैं, ठीक है। पर आई वॉज सो हैप्पी, और ना मेरे दिमाग में पूरे टाइम यही चल रहा है। इंस्टाग्राम पे मैंने स्टोरी डाली है, तो आई नो कुछ लोगों ने वहाँ पे देख लिया होगा, गाड़ी टो होके जा रही थी। आई फील सो गुड, ये बंदा इसकी कार है यार, बहुत अच्छा लगा। मतलब एक छोटा सा इनिशिएटिव, कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग के सामने इतना कुछ हो रहा होता है, एंड कोई भी छोटी सी चीज़ होती है जो हमारे सामने हो रही होती है, पर हम देख के छोड़ना कर देते हैं, बहुत बारी होता है ऐसा। मतलब आई रिमेम्बर एक और इंसिडेंट, अब छोड़ो बाद में बताऊँगी। कभी एक लाइफ लेसन मिला है भैया से भी कि आपका इतना सा बस एक छोटा सा स्टेप, आपको फर्स्ट स्टेप लेना है और आप कितनी बड़ी प्रॉब्लम से बच सकते हो या दूसरे को बचा सकते हो। वाओ, इतना अच्छा लग रहा है ना मेरे को, जैसे ही मेरी जान बचा ली हो किसी ने, सच्ची बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब कितना कुछ सीखने को है इन चीज़ों से, लाइफ में जो इंस्टेंसेस होते हैं आप इन चीज़ों से कितना सीख सकते हो। ओके, एनीवे, सो हाँ, बस इतनी बात बतानी थी, हो गई बकबक, अब चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है अर्ली इंटरवेंशन। सो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि VIAD, विजुअल इम्पेयरमेंट विद एडिशनल डिसेबिलिटीज क्या होती है, कौन कौन से टाइप्स की होती हैं, एंड क्या करंट स्टेटस है मल्टीपली डिसेबल्ड बच्चों का इंडिया में, उनकी एजुकेशन का, एंड क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं किसी टीचर को मल्टीपली डिसेबल्ड बच्चों के साथ डील करने में। ओके, सो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अर्ली इंटरवेंशन, जिसमें मोस्टली हम अभी VI के कंटेक्स्ट में ही पढ़ेंगे, VIADs के कंटेक्स्ट में ही पढ़ेंगे कि अर्ली इंटरवेंशन यहाँ पे क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है मल्टीपली डिसेबल्ड बच्चों के लिए। ओके, सो या लेट्स स्टार्ट। अर्ली इंटरवेंशन है वो सारे सपोर्ट्स और सर्विसेज जो हम बच्चे को प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स,
शुरू के जो 6 साल होते हैं बच्चों के, वो बहुत ज़्यादा क्रूशल होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको शुरू में बच्चे में कोई डेवलपमेंटल डीले दिखता है, डेवलपमेंटल डीले क्या है कि मतलब आपको लगता है बच्चे को इतने टाइम तक ये काम कर लेना चाहिए था, या बच्चा 6 महीने का हो गया तो उसको ये वाला टास्क परफॉर्म कर लेना चाहिए था, पर अभी बच्चा वो टास्क परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब उसकी डेवलपमेंट में डीले है। जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन उस बच्चे को उस एज तक अचीव कर लेना चाहिए था, वो माइलस्टोन अभी अचीव नहीं किया है बच्चे ने, इसका मतलब बच्चे की डेवलपमेंट में डीले है। ओके, सो जब हम देखते हैं कि बच्चे की डेवलपमेंट में कोई डीले है, तो उसको टाइम से जल्दी आइडेंटिफाई करके हमें उसको उसे सपोर्ट देना है, उसे सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, जिससे हम उस डीले को वहीं पर रोक सकें, ठीक है, और उसकी जो डेवलपमेंट है उसको वापस प्रोग्रेसिव बनाएं। ओके, सो यहाँ पे अगर हम बात करें VIADs की, विजुअल इम्पेयरमेंट विद एडिशनल डिसेबिलिटीज और मल्टीपली डिसेबल्ड बच्चों की, तो उनके लिए इंटरवेंशन कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है ये देख लेते हैं हम। फर्स्ट इज इट हेल्प्स द चिल्ड्रन टू ग्रो एंड डेवलप एट द डिजायर्ड लेवल, ठीक है। जो लेवल अभी बच्चे का रुक गया है, बच्चे की ग्रोथ या डेवलपमेंट जिस लेवल पर रुक गई है, उस लेवल से हम उसको उठा के अपने डिजायर्ड लेवल तक, जहां तक हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा इतने टाइम में अब चल लेना चाहिए था, उसको उसको वॉकिंग शुरू कर देनी चाहिए थी, तो हम उन एरियाज में काम करते हैं और उसकी डेवलपमेंट को डिजायर्ड लेवल तक लेके जाते हैं विद द हेल्प ऑफ अर्ली इंटरवेंशन, ठीक है। नेक्स्ट इज अर्ली इंटरवेंशन प्रोवाइड्स एड्स एंड अप्लायंसेस टू ओवरकम द इफेक्ट्स ऑफ डिसेबिलिटी। बच्चे में जो डिसेबिलिटी है उसके इफेक्ट्स, उसके असर को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए कि बच्चे की डेवलपमेंट पे उसका असर ना पड़े, एड्स एंड अप्लायंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं। नॉर्मल ग्रोथ है जो एक नॉर्मल स्केल ऑफ डेवलपमेंट है उस पर चले। नेक्स्ट इज इट प्रिवेंट्स सेकेंडरी इफेक्ट्स ऑफ डिसेबिलिटी। इससे अर्ली इंटरवेंशन से जो डिसेबिलिटी के सेकेंडरी इफेक्ट्स हैं, मतलब प्राइमरी इफेक्ट्स तो ये हैं कि जैसे अगर बच्चा हमारा विजुअली इम्पेयर्ड है तो अभी उसको देखने में समस्या है, उसको देखने में दिक्कत है, राइट। हो सकता है बच्चा लो विजन हो, अभी उसको सिर्फ दिक्कत हो रही है देखने में, पर अगर हमने उसे टाइम से सपोर्ट नहीं दिया या एड्स एंड अप्लायंसेस नहीं दिए, जैसे कि लो विजन बच्चा है तो हम उसके लिए स्पेक्स बनवा सकते हैं जिससे वो अपने विजन जो है वो नॉर्मली यूज कर सकता है, पर हमने ध्यान ही नहीं दिया तो जो उसकी विजन जो बची हुई है, रेसिडुअल विजन है, हो सकता है वो भी धीरे धीरे करके खत्म हो जाए और बच्चा कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाए। सेकेंडरी इफेक्ट क्या है, उससे हो सकता है लो विजन से बच्चा कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाए, हो सकता है उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे फर्क पड़े, हो सकता है उसकी फिजिकल डेवलपमेंट पे फर्क पड़े, हो सकता है उसकी इमोशनल डेवलपमेंट पे फर्क पड़े। तो ये सारे जो सेकेंडरी इफेक्ट्स हैं जो और प्राइमरी इफेक्ट के बाद होंगे, इनको रोकने में अर्ली इंटरवेंशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन द नेक्स्ट इज इट प्रिपेयर्स देम टू बी एजुकेटेड थ्रू अर्ली स्टिमुलेशन प्रोग्राम विच इम्प्रूव्स देयर एजुकेबिलिटी। जब हम अर्ली इंटरवेंशन करते हैं तो हम ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिससे बच्चे को स्टिमुलेशन मिलता है। स्टिमुलेशन इज एक ऐसा एक्शन उसके साथ किया जाता है जिससे वो रिएक्शन देने पे या रिस्पॉन्स देने पे मजबूर हो जाए, ठीक? उसे स्टिमुलस प्रोवाइड किया जाता है और फिर बच्चा रिस्पॉन्स देता है। तो ये स्टिमुलेशन की वजह से क्या होता है, बच्चा आगे की एजुकेशन के लिए भी तैयार हो जाता है। ऑल्सो अर्ली इंटरवेंशन पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि पेरेंट्स के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि आपको अपने बच्चे के साथ कैसे रहना है, आपको अपने बच्चे के साथ कैसे डील करना है, घर में आप अपने बच्चे के साथ क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हो, फिजिकल इमोशनल, ठीक है, क्या उसे आपको करने देना है, क्या आपको उसको नहीं करने देना है, कहाँ आप उसकी हेल्प करो, कहाँ आप उसे इंडिपेंडेंटली काम करने दो, एंड बेसिकली पेरेंट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है, कि हम मिलके चीजें सॉर्ट आउट कर लेंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो सॉल्व नहीं हो सकती। ओके, तो ये सब चीजें जो हैं, तो फिर इससे क्या होता है, बच्चे की फ्यूचर लर्निंग के लिए भी एक फाउंडेशन तैयार हो जाती है और हमारा बच्चा जो है वो जनरली उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट होने लगती है। जो टीचर या केयर गिवर अर्ली इंटरवेंशन देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। फर्स्ट इज बच्चे की जनरल हेल्थ कैसी है, क्या एडिशनल डिसेबिलिटीज हैं बच्चे को, अगर हैं तो क्या स्पेसिफिक मेडिकेशन चल रही है, क्या दवाइयां चल रही हैं बच्चे की, कैसे बच्चा अपने सेंसेस को यूज कर पाता है, कितनी एफिशिएंटली यूज कर पाता है, उसकी मोटर स्किल्स कैसी हैं, ये सब आता है जनरल हेल्थ में। नेक्स्ट इज बच्चे की क्या फिजिकल और मोटर लिमिटेशंस हैं, मतलब क्या ऐसी एक्टिविटीज हैं फिजिकल और मोटर, मतलब बेसिकली फिजिकल मूवमेंट से रिलेटेड, जो बच्चा नहीं कर पा रहा। एक काम होता है एजुकेटर्स का कि वो पेरेंट्स को गाइड करें कि कैसे पेरेंट्स घर पे अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं बच्चे को साथ, ताकि उसमें इम्प्रूवमेंट आए, ठीक है। एंड वॉट इज द बेस्ट पोजिशनिंग ऑफ द चाइल्ड टू बी एबल टू परफॉर्म द विजन एबिलिटीज।
किस पोजीशन में आपका बच्चा अपनी विजन एबिलिटीज यूज करता है, सीधा बैठकर, फेस सीधा रखकर, नेक सीधी रखकर वो आराम से हर डायरेक्शन में देख लेता है, ठीक है, मतलब आई बॉल की मूवमेंट उसकी ठीक है या नहीं, या फिर वो ऐसे अपना फेस उसको थोड़ा सा टिल्ट करना पड़ता है, थोड़ा सा टेढ़ा करके, एंड फिर वो सामने की चीजें देख पाता है। इसका मतलब सिर्फ उसका पेरिफेरल विजन काम कर रहा है। ये सब चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या पता होना चाहिए? बच्चे का कॉग्निटिव लेवल, ठीक है, बच्चे का मेंटल लेवल, बच्चे की मेंटल एबिलिटीज पता होनी चाहिए। क्या रिमेनिंग फंक्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है, क्या क्या फंक्शंस अवेलेबल हैं जो बच्चा अपनी आंखों से परफॉर्म अब कर सकता है, ठीक है, कि मतलब उसका जो सेंट्रल विजन है, पेरिफेरल विजन है, कौन सा विजन है, कौन सा नहीं है, है तो कितना है, कितने डिस्टेंस तक बच्चा देख सकता है, फोकस कैसे वो कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा, बेसिकली कि उसकी जो विजन की एबिलिटीज हैं वो कितनी है, ठीक है, और उसके डायग्नोसिस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और जो डेली लाइफ के काम हैं उसमें बच्चा अपने विजन को यूज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, और कैसे कर रहा है यूज, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन विद एडिशनल डिसेबिलिटीज में 3 स्पेशलिस्ट की टीम जरूर होती है, मतलब ये 3 स्पेशलिस्ट जरूर होते हैं, जो हैं एक लो विजन स्पेशलिस्ट, एक फिजियोथेरेपिस्ट और एक साइकोलॉजिस्ट या फिर रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल। अब जब आपने बच्चे का असेसमेंट कर लिया, असेसमेंट से पता चलेगा कि हमारे बच्चे को जो इंटरवेंशन चाहिए वो उसको एक छोटे टाइम पीरियड के लिए चाहिए, या फिर उसको अगर सिवियर इम्पेयरमेंट है तो उसको इंटरवेंशन हमें जो है वो फुल पीरियड के लिए देना होगा। फुल पीरियड मतलब अप टू 7 इयर्स ऑफ एज, ठीक है, तो 7 साल तक के लिए हमें मल्टी इम्पेयर्ड चाइल्ड को इंटरवेंशन देना होगा। ओके, सो सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेम्बर इज, जनरली भी सारे बच्चों के केस में जो चीज सही है, होम इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ द चाइल्ड, घर बच्चे का पहला स्कूल होता है, एंड द मदर इज हिज फर्स्ट टीचर, एंड मदर जो है वो बच्चे की पहली टीचर होती है, ठीक है, और उसके बाद बच्चा अपने सिबलिंग से, अपने बाकी फैमिली मेंबर से, सोसाइटी से, स्कूल से धीरे धीरे सीखता रहता है। सो ये वाला टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं, एंड आई होप आपको समझ आया होगा। नहीं आया हो तो प्लीज मुझसे डाउट्स पूछ लेना प्लीज, बिकॉज अब ऐसा तो होता नहीं होगा कि जो लोग, जितने लोग वीडियो देखते होंगे उनको एक ही बार में मतलब सारी चीज आ जाती होगी, तो आप मेरे को बताओ कि मैं कहाँ पे इम्प्रूव करूँ, क्या चीजें मैं आपको और बेटर सिखाऊं, कोई पॉइंट्स हैं जिसमें आपको बहुत डीप एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप वो भी मेरे को बताओ, ठीक है, एंड या दिस इज इट, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।